हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार, आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे। देखिए, जो आज हमारी वीडियो है, ये वीडियो रेल कौशल विकास योजना से संबंधित है। ठीक है, भारत सरकार की तरफ से कौशल के लिए एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है रेल कौशल योजना। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम देखेंगे क्या है रेल कौशल योजना और इसमें ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। चलिए, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। क्या है रेल कौशल विकास योजना? इसके लिए क्या करना है आपको, अपने यहाँ जाना है गूगल बार में। ठीक है, ये आपका गूगल बार है। यहाँ पे आने के बाद आपको टाइप करना है रेल कौशल योजना। यहाँ पे आ जाइए आप, ठीक है, गूगल बार में, और यहाँ पे टाइप कीजिए रेल कौशल विकास योजना। देखिए, जैसे आप इसको टाइप करके सर्च करते हैं, ठीक है, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये देखिए, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएंगे आप, देखेंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट है रेल कौशल विकास योजना की। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए और आप पहले, ये जो पहला लिंक आपको मिलेगा railkby.indianrailway.gov.in, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस इस तरह का ओपन हो जाएगा। देखिए, ये ओपन हो रहा है। ये देखिए, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये रेल कौशल विकास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं रेल कौशल विकास योजना क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा रेल कौशल विकास योजना, युवा को कुशल बनाना, देश को आगे बढ़ाना। ठीक है, जैसा कि इसका नाम ही है कौशल विकास योजना, ये आपको एक स्किल सिखाती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा इमेज बना है। ठीक है, अबाउट RKVY, रेल कौशल विकास योजना इज अ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ इंडिया। ठीक है, टू इम्पोर्ट टेक्निकल ट्रेनिंग इन वेरियस स्टेट टू इनहेंस दियर एम्प्लॉयबिलिटी एंड इंटर्नशिप, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग बींग इम्पोर्टेड इन रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर एलिजिबल यूथ अक्रॉस द कंट्री। मतलब जो रेलवे के द्वारा आपको कुछ ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, ठीक है, ट्रेनिंग्स में आपके स्किल को, और वो भी टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको प्लेसमेंट भी दिया जाता है इसमें। ठीक है, और साथ में आपको एक सर्टिफिकेट भी, आप जब जो है अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और तो ये है आपका रेल कौशल विकास योजना। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, टेक्निकल ट्रेनिंग, ठीक है, रेलवे की तरफ से, और कहीं ना कहीं आपको हो सकता है प्लेसमेंट भी मिले। ठीक है, और साथ में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगी। और इसके लिए देखिए, 18 से 35 होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए। ठीक है, अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत के लिए है ये। ठीक है, किसी विशेष राज्य के लिए नहीं है। बात करते हैं कि इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आएंगे, आपको यहाँ पे एक लिंक दिखाई पड़ रहा होगा, अप्लाई हियर। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जो आपको अप्लाई हियर का ये बटन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आके क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये आपका रजिस्ट्रेशन पेज है। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई न्यू का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर पे आपको आना है और चूज करना है ये आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टेट अपना चूज कर लिए, जिस भी स्टेट से हैं आप। ठीक है, यहाँ पे आप अपना इंस्टीट्यूट नेम चूज करिए। ठीक है, किस इंस्टीट्यूट पर, मतलब जो भी आपका नियरेस्ट हो, यहाँ पर देख लीजिए है, और ट्रेड भी यहाँ से आपका चूज हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपका नियरेस्ट हो वहाँ पर आप आकर के अपना चूज कर लीजिए। उसके बाद सर्च बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे आप सर्च बटन पर क्लिकेंगे, देखिए आपके सामने ये ट्रेड के अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे। आप किस ट्रेड से आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, यहाँ पे आप उस ट्रेड को चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिकल से करना है, तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, इस पर अप्लाई बटन पर क्लिक करें, आपके सामने ओपन हो जाएगा आपका, ठीक है, रजिस्ट्रेशन पेज। ये देखिए, मैं कर्ज की दिखाता हूँ आपको। जैसे आप इस पर अप्लाई पे क्लिक करते हैं, ये देखिए, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे जो है पहला अपना नेम फिलअप कीजिए। ठीक है, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, यहाँ मिडिल नेम, और यहाँ पे लास्ट नेम। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी फिलअप कीजिए। ठीक है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, और कोई पासवर्ड यहाँ पर बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप नीचे यहाँ पर साइन अप पर क्लिक कीजिए। देखिए, मैंने सारी डिटेल यहाँ पे फिलअप कर दी। अब यहाँ मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए, आपके ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन ईमेल जाएगा। ठीक है, जो कि आपको वहाँ से अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा।
तो अपनी ईमेल आईडी में यहाँ पे देखिए चेक स्पैम फोल्डर आल्सो, अगर आपको ऊपर इनबॉक्स में नहीं दिख रहा है तो आप अपना स्पैम फोल्डर भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आप अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कीजिए, ठीक है, आपका अकाउंट सक्सेसफुली बन जाएगा। ये देखिए इस तरह का आपके पास मेल आएगा, ठीक है, ये स्पैम फोल्डर में ही आया है मेरे, ठीक है। इसको आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसको आपको वेरीफाई करना होगा, वेरीफाई योर मेल। देखिए देखिए आप अपना ईमेल वेरिफिकेशन करने के बाद यहाँ पर आएंगे और लॉगिन करेंगे, ठीक है। जो ईमेल आईडी वहाँ पे अपने पासवर्ड डाला था, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालिए और यहाँ पे पासवर्ड, देखिए लॉगिन बटन पर क्लिक कीजिए, ठीक है। फिर से आप अपने उसी पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। ये इंटरफेस देखिए खुला हुआ है आपके सामने, ठीक है। देखिए लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, प्लीज कंप्लीट योर प्रोफाइल, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अपना फादर्स नेम, मदर नेम, ठीक है, फिलअप करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप अपना शैक्षिक योग्यता फिलअप करेंगे, ठीक है, कि टेंथ आपने किस बोर्ड से कर रखा है। तो ये नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आप अपना एजुकेशनल डिटेल्स फिलअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे आप अपना एड्रेस यहाँ पे फिलअप करने के बाद, ठीक है, अपडेट पर क्लिक करेंगे। तो आप अपना देखिए सारी डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पर अपडेट पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ रिव्यू योर डिटेल्स अगेन, यू आर नॉट अलाउड टू चेंज योर पर्सनल एंड एजुकेशनल डिटेल अगेन, ठीक है। तो एक बार आप चेक कर लीजिए कि, क्योंकि दोबारा जब आप सबमिट कर देंगे दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे। ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपका जितना भी डिटेल्स आपने फिलअप की थी वो सब आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि हमने ये डिटेल्स फिलअप की है, ठीक है। अगर सब कुछ सही है तो आप अपडेट पर क्लिक कीजिए और ओके पे बटन पर क्लिक कीजिए, आपकी प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली, यू कैन अप्लाई फॉर एप्लीकेशन टैब, अप्लाई बटन पर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे फिर से वही, ठीक है, अपना स्टेट यहाँ पे चूज करिए, ठीक है, इंस्टीट्यूट नेम जिस भी इंस्टीट्यूट से आपको लेना है, सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नीचे आएंगे यहाँ पे अप्लाई, जिस जिस स्टेट से आपको अप्लाई करना है वहाँ पर आप आ करके अप्लाई कर देंगे, ठीक है। आप यहाँ पे तीन ट्रेड से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये तीन तरीके से कंप्यूटर बेसिक, इलेक्ट्रिकल और फिटर, मैंने तीन ट्रेड से अप्लाई किया, आप भी किसी भी तीन ट्रेड से। यहाँ पे देखिए दो मैकेनिस्ट और कारपेंटर का जो है नील है, यहाँ पे इसकी कोई वो पोस्ट नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप अपना ऑनलाइन आवेदन करने में सक्सेसफुल रहेंगे, ठीक। अब यहाँ पर आइए एप्लीकेशन पर, अप्लाई हियर पे क्लिक कीजिए, तो ये आपने कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करने में सफल रहेंगे, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन बताएं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।